हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम ओजोन डिप्लेशन के बारे में बात करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो थी, हमारी जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं उनमें हमने प्रदूषण, उनके कारक और प्रदूषण के कारण, इनके बारे में बात की है। चाहे वो शोर प्रदूषण था, ध्यान देंगे, चाहे वो शोर प्रदूषण था, चाहे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, इन सभी के बारे में पूरे डिटेल से हमने डिस्कस किया हमारी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आपको जरूर वो देखनी चाहिए, ठीक है। तो भूमि प्रदूषण, इसके बाद हमने एक डिस्कस किया था अम्लीय वृषा। भूमि प्रदूषण के बाद जस्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था अम्लीय वृषा। जो सारे के सारे प्रदूषण हैं, इनके बारे में एक बहुत ही कॉमन चीज है कि जो सारे के सारे प्रदूषण हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे के साथ मिलते हैं। एक प्रदूषण के कारण ही दूसरा प्रदूषण बन जाता है, इसी कारण एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। प्रदूषण में आज हम करने वाले हैं ओजोन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ओजोन रिक्तिकरण। ओजोन रिक्तिकरण, इंग्लिश में बात करें तो हम इसको बोलते हैं ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन, तो आज का टॉपिक यही रहेगा हमारा। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में हमें जानना है कि ओजोन होता क्या है, उसके बाद हम पूरे के पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि ओजोन बनता कैसे है, होता क्या है और ओजोन इतना महत्वपूर्ण क्यों है हमारे जीवन में। अगर ओजोन नहीं होगा तो इसके कारण क्या होगा, इन सभी टॉपिक को हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक डाल लेते हैं ओजोन रिक्तिकरण। अब जैसा कि हम बचपन मतलब फिफ्थ क्लास से ही हम पढ़ते आए हैं कि जो ओजोन है वो एक लेयर है जो हमारे पर्यावरण में उपस्थित है। ऐसा हम फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवन्थ, टेंथ तक हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। अब हमें बीएससी और एमएससी में भी ऐसा ही पढ़ना पड़ रहा है कि पर्यावरण में उपस्थित एक लेयर है, ओजोन एक परत है जो हमारी रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरणें बोले तो यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। बट अब हमें समझना क्या है कि जो ओजोन है कहां से कहां तक प्रेजेंट है। पृथ्वी है, पृथ्वी एक क्षेत्र है। अब इतना तो मैं भी बता सकता हूं कि ओजोन एक लेयर है, एक परत है जो सूर्य से आने वाली। सबसे पहले थोड़ी सी हम इसके बारे में छोटी छोटी जानकारी लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ओजोन परत कहां प्रेजेंट है। कि ओजोन एक परत, ठीक है, जो सूर्य से आने वाली 95% से 99% यूवी रेज है उनको कंट्रोल करती है, उनको अपने अंदर पकड़ लेती है, ठीक है, उनको अपने अंदर पकड़ लेती है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि छनकर आ रही है, ठीक है। तो जो प्योर सनलाइट है, प्योर सनलाइट है, सिर्फ उसको ही अर्थ के ऊपर आने देती है, धरती के ऊपर पहुंचने देती है, हमारी भूमि के ऊपर पड़ती है। और उसी 1% लाइट से, 1% सोलर लाइट से पृथ्वी पर जीवन संभव है, ठीक है। उसी 1% लाइट से, पीछे हमने किया था ग्रीन हाउस प्रभाव,
ठीक है, इससे जस्ट पीछे जो एक वीडियो है उसमें हमने किया था ग्रीन हाउस प्रभाव। इसके कारण ही 1% लाइट से ही ग्रीन हाउस प्रभाव बन सकता है, बनता है, ठीक, ग्रीन हाउस प्रभाव बनता है पृथ्वी के ऊपर। और इसी के कारण, इसी 1% लाइट के कारण पेड़ पौधे मनुष्य सब जीवित रहते हैं, क्योंकि एक सर्कल है ना, चलता रहता है, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, सब एक दूसरे के ऊपर हम निर्भर करते हैं। तो इसी के कारण, तो इतना हमने पता लगा लिया कि 95% से 99% तक यूवी रेज वापस चली जाती हैं, जो ओजोन है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब मतलब उनको सोख लेती है, और वहां से छनकर जो प्योर लाइट है, प्योर सोलर लाइट है, सनलाइट है, वो हमारी अर्थ के ऊपर पहुंच जाती है, जिसके कारण अर्थ के ऊपर जीवन संभव है। चाहे वो छोटा ऑर्गेनिज्म हो, एक बैक्टीरिया हो, एक बैक्टीरिया से लेके हाथी तक हम बोल सकते हैं, ठीक है, छोटे प्लांट, पानी वाले प्लांट से लेकर एक बड़े प्लांट तक हम बोल सकते हैं, उनका सबका जीवन संभव है। किसके कारण? एक 1% लाइट के कारण। अब इतना आया समझ में? अब बात करते हैं कि ओजोन कहां पे उपस्थित है। ओजोन, अब हम बात करेंगे पृथ्वी की जो अलग अलग लेयर हैं उनके बारे में। तो यहां से हम देखेंगे ओजोन की पोजीशन। एक सवाल आता है, क्या ओजोन पृथ्वी पर भी उपस्थित है? अब पृथ्वी के बाहर तो एक लेयर बना भी रही है, क्या ओजोन पृथ्वी पर भी उपस्थित है? ऐसा क्वेश्चन कोई उठा दे। हाँ, ओजोन क्या है? एक O3 मॉलिक्यूल है। जब तक वो ग्रुप के अंदर पहुंचकर एक अच्छा अपना ग्रुप नहीं बना लेता, ओजोन का सिंगल मॉलिक्यूल कोई काम नहीं करता, ठीक है। सिंगल मॉलिक्यूल थोड़ी बहुत एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, वो माइनस के बराबर हो जाती है, ठीक है, उसको जीरो बोल देते हैं, वो इतना काम नहीं करेगी। बट जब ओजोन पूरे ग्रुप के अंदर पहुंचेगी, तो यहां से ही देखो, पूरा ग्रुप ये मैंने बना दिया, पूरा ग्रुप। अब अर्थ के ऊपर तो प्रेजेंट है, बट अर्थ के ऊपर इतनी नहीं है कि ये अपना काम अच्छे से कर सके। जब ये अर्थ से ऊपर जाती है, तो वहां पे इनकी पूरी प्रॉपर एक लेयर बन जाती है, और ऊपर ही अपने आप बनती भी रहती है। तो यहां से जब यूवी रेज आएंगी, उनको 95% से 99% तक ये क्या कर लेंगी? एब्जॉर्ब करेंगी। ये काम होता है ओजोन का पृथ्वी की लेयर पर, एटमॉस्फेयर में। यहां पे मैं बना रहा हूं पहले पृथ्वी, ठीक है, ठीक है, ये हो गई पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर एक लेयर पहले ये बना लेते हैं, ठीक है, दूसरी लेयर, थर्ड, फोर्थ लेयर। पृथ्वी के ऊपर यहां तक जो लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं शोभ मंडल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शोभ मंडल। यहां से यहां तक है मध्य मंडल, ठीक है, और यहां से यहां तक समताप मंडल, और ये जो रहेगा ताप मंडल, और इसके बाद का जो मंडल आ जाता है उसको हम बोलते हैं आयन मंडल, बट हम अभी यही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं शोभ मंडल पृथ्वी के ऊपर, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं जिसको, पृथ्वी के ऊपर ये जीरो से
बारह, दस भी लिखा होता है किसी किसी बुक में, किसी किसी बुक में बारह भी दिया है, ठीक है, दस भी ठीक है, बारह भी ठीक है, कोई इसमें दो राय वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। और दूसरा हम देखें, ये 12 से 50 किलोमीटर तक प्रेजेंट होता है मध्यमंडल। उसके बाद समताप मंडल की बात करें तो 50 से 80 किलोमीटर तक प्रेजेंट होता है हमारा समताप मंडल। ताप मंडल की अगर हम बात करें तो 80 से 700 किलोमीटर तक प्रेजेंट होता है ताप मंडल। क्लियर है? 0 से 12 धरती से ऊपर 12 किलोमीटर तक जाएंगे, वहां तक कौन? शोभ मंडल प्रेजेंट है। और उसके बाद 12 से 50 किलोमीटर तक कौन उपस्थित है? मध्यमंडल। 50 से 80 समताप मंडल, और ताप मंडल 80 से 700। 700 से नेक्स्ट करना है 190,000 तक किलोमीटर तक आयन मंडल प्रेजेंट है। ये भी लिख देता हूं, ठीक है, आयन मंडल उपस्थित है, दिख रहा है ये? ठीक है, ये पृथ्वी पर जो पर्यावरण की परतें हैं उनकी पोजीशन है, उनकी उपस्थिति को हम शो कर रहे हैं। अब यहां से अगर हम देखें अलग कलर से, इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको आसानी से ये दिख जाए। जो ये लेयर आपको दिखाई दे रही है, इस लेयर को हम बोल देते हैं ओजोन परत। इस परत को हम क्या बोलते हैं? ओजोन परत। ओजोन परत की पोजीशन आप देख रहे हैं, जो ओजोन परत है शोभ मंडल में कितनी प्रेजेंट है? 90 से 91% तक ये शोभ मंडल में उपस्थित है, ठीक है। 9 से 10% तक ये मध्य मंडल में उपस्थित है। जो ओजोन परत की उपस्थिति है वो ऐसी है। अभी पता लगा ओजोन परत कैसी है? 90 से 91% तक ये शोभ मंडल में उपस्थित है, और 9 से 10% तक ये मध्यमंडल में उपस्थित है। तो अगर हम देखें, ये 10 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाती है यहां से, और 30 किलोमीटर इसकी मोटाई लगभग, ठीक है, कई बुक में ये 15 भी लिखा होता है, कई में 12, कई में 10, ठीक है, अलग अलग बुक के हिसाब से अलग अलग है। तो इसकी मोटाई लगभग 20 किलोमीटर हो सकती है, इसकी मोटाई लगभग 20 किलोमीटर तक हो सकती है। ओजोन परत की अगर मोटाई की बात करें तो इसकी मोटाई 20 किलोमीटर तक हो सकती है। तो ये थी पोजीशन ऑफ ओजोन। इतना आया समझ में? अब चलते हैं हम आगे डिस्कवरी ऑफ ओजोन, और ओजोन बनती कैसे है, टूटती कैसे है। अगर ओजोन परत की खोज की बात करें तो ये हुई थी 1913 में फ्रांस के भौतिकविद थे, तो फ्रांस के दो भौतिकविद थे, एक का नाम था फैब्री चार्ल्स और दूसरे का नाम था हेनरी बुसोन। तो इन दोनों ने ओजोन की खोज की।
उसके बाद आता है एक ब्रिटेन का साइंटिस्ट, ब्रिटेन का साइंटिस्ट, तो ब्रिटेन साइंटिस्ट जिनका नाम था डॉब्सन, इन्होंने क्या किया, ओजोन के बारे में पूरा का पूरा विस्तार से अध्ययन किया। ऐसा करने वाले ब्रिटेन के ये पहले वैज्ञानिक थे। डिस्कवरी फेब्री चार्ल्स और हेनरी बोसोन ने की, बट इन्होंने इतना डिटेल में इनकी स्टडी नहीं की। जो डॉब्सन थे ब्रिटेन के, वो ओजोन के बारे में विस्तार से स्टडी करने वाले पहले वैज्ञानिक थे, इसीलिए इनके अध्ययन के कारण ही जो ओजोन को मापने की इकाई है, उसका नाम भी क्या रखा गया, डॉब्सन रखा गया। ओजोन को जो मापने की इकाई है उसका नाम भी इन्हीं साइंटिस्ट की याद में डॉब्सन रखा गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है एक कि ओजोन को मापने की इकाई क्या है और कौन से साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है। ब्रिटेन के साइंटिस्ट डॉब्सन के नाम पे रखी गई है, और क्यों रखी गई है, क्योंकि इन्होंने ओजोन के बारे में पूरा का पूरा विस्तार से अध्ययन किया था। ये क्वेश्चन भी है बहुत अच्छा। जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीजन पृथ्वी पर तीन रूपों में मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपरूप बोलते हैं, एकल अणु, ठीक है, जिसको हम सिर्फ ओ बोलते हैं। ऑक्सीजन का सूत्र आपको पता है ना, ओ बोला जाता है, सिर्फ ऑक्सीजन को ओ बोला जाता है। अच्छा, अणु नहीं, इसको हम परमाणु बोलेंगे, एकल परमाणु, द्वि परमाणु और त्रि परमाणु, एकल द्वि त्रि, एकल से द्वि बनता है और द्वि से त्रि बनता है, ठीक है, और त्रि से वापस टूट जाता है ऊर्जा। अब ऐसा क्यों होता है, जब ऑक्सीजन संताप मंडल में पहुंचती है, ऐसा संताप मंडल में ही पॉसिबल है, जब ऑक्सीजन संताप मंडल में पहुंचती है तो वहां पर क्या होता है, सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं उनकी जो हीट कैपेसिटी है, फोटोन की जो हीट कैपेसिटी है, वो लगभग 240 से 300 नैनोमीटर तक है। उनका जो रेडिएशन हम बोल सकते हैं 240 से 300 नैनोमीटर तक है, और इतना काफ़ी है, और ये बहुत ही काफ़ी है एक ओजोन के परमाणु के फॉर्मेशन के लिए। अब ओजोन का परमाणु का फॉर्मेशन कैसा होगा, O प्लस O जब आपस में मिलेंगे 240 या 300 नैनोमीटर तक, तो ये क्या करेंगे, इनके कारण एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेंगे, ये दोनों एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेंगे। इतना अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करके जंप कर जाते हैं और दो परमाणु आपस में मिल जाते हैं। तो ये फोटोन जब इनको मिलेंगे, ये इनको एनर्जी देंगे, ये एनर्जी अब्जॉर्ब करके ये परमाणु बना लेंगे O2 का, और फर्दर ये O2 इधर आएगा, प्लस एक जो सिंगल पड़ा होगा ऑक्सीजन का पर्यावरण के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन का जो एक परमाणु सिंगल पर्यावरण के अंदर पड़ा होगा, वो इसके साथ मिलके O3 का निर्माण करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन, इस O3 को ही हम क्या बोल देते हैं, ओजोन बोल देते हैं। अब ये ओजोन का फॉर्मेशन हो गया ऐसे। अब ओजोन के गुण क्या क्या है,
ये जो ओजोन का मॉलिक्यूल बना है इसके गुण करेंगे हम, ये O3 मॉलिक्यूल, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, त्रि परमाणु ऑक्सीजन भी बोलते हैं। पहला नंबर तो ये आ गया। दूसरा, ये कैसी होती है, गंधयुक्त गैस होती है, गंधयुक्त गैस है। तीसरा, ये कैसी है, हल्के नीले रंग की है। ठीक है, फोर्थ में हम इसकी पोजीशन लिख देंगे, प्रेजेंट कहाँ होती है, समताप और मध्यमंडल में उपस्थित होती है। यह समताप मंडल व मध्य मंडल के बीच उपस्थित है, समताप मंडल व मध्य मंडल के बीच उपस्थित है। बताया ना 30 किलोमीटर की लगभग मोटाई हो सकती है इसकी, समताप मंडल व मध्य मंडल के बीच उपस्थित है। तो इसकी मोटाई को पूरी की पूरी फिक्स नहीं है, मौसम के अनुसार बदल सकती है इसकी मोटाई, ठीक है, पूरी मोटाई इसकी कभी फिक्स नहीं रहती, मौसम के अनुसार बदल सकती है। प्रदूषण ज़्यादा है तो पतली हो जाती है, प्रदूषण कम है, अच्छा फॉर्मेशन हो रहा है तो मोटी हो जाती है। ठीक है, पूरा का पूरा हमारे पर्यावरण के ऊपर डिपेंड है। और ये तो हम कर चुके हैं, सूर्य से आने वाली हानिकारक या फिर हम बोल सकते हैं पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, कौन, ओजोन परत। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो इतना आया समझ में, ये 5 बातें हैं ओजोन के एक अणु के बारे में। ओजोन का अणु हमारे लिए फायदे करता है। तो इसके बाद हम चलते हैं कि ओजोन टूटती कैसे है। अभी हमने किया ओजोन बनती कैसे है, इसके बाद हम चलते हैं ओजोन टूटती कैसे है। अब ओजोन का एक अणु बना, ये टूटेगा भी, और किस कारण टूटेगा, प्रदूषण के कारण। अभी दिखाते हैं आपको, जो हमारा मेन टॉपिक है यही, ओजोन रिक्तिकरण के कारण। तो सबसे पहले में हम करेंगे कि जो इसके रिक्तिकरण के मुख्य कारण है, क्लोरीन और ब्रोमीन है। कौन कौन है, क्लोरीन व ब्रोमीन। अच्छा, क्लोरीन क्या करता है, जैसे क्लोरीन है, ऑक्सीजन के जो त्रि परमाणु है यानी कि ओजोन, इसके साथ मिलकर ये ClO का निर्माण करेगा और O2 को छोड़ देगा। ठीक है, ClO का निर्माण कर लेगा और O2 को छोड़ देगा। ठीक है, समझ आया इतना, जो क्लोरीन है ऑक्सीजन के साथ मिलकर ClO का प्रथम ये क्या करेगा, निर्माण करेगा और O2 को छोड़ देगा। अब हमें पता है
कि O2 के अंदर ओजोन की जैसी कोई पावर नहीं होती, जैसे ओजोन के अंदर पावर होती है ना, अवशोषित कर लेती है, सूर्य से आने वाली जो खतरनाक पराबैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित कौन कर लेती है, ओजोन। ये इसके पास इतनी पावर थी कि यूवी रेस जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित कर रही थी। जब तक इसके साथ एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का और जुड़ा हुआ था, जब तक इसके साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और जुड़ा हुआ था, उस टाइम तक ये क्या कर सकती थी, इसके पास ऐसी पावर थी कि ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर सकती थी। परंतु ऐसा हुआ कि इसके पास क्लोरीन आई और क्लोरीन की रिएक्टिविटी के कारण को इसने अपना एक अणु परमाणु दे दिया और खुद ये O2 बन गई। ठीक है, अब क्लोरीन इतने पे ही काम नहीं चलाता, ये नुकसान करता जाता है। अगर ये बन गया ना प्रोडक्ट, तो ये भी अभी खतरनाक काम करेगा। और ये खतरनाक काम क्या करेगा, ये इस ओजोन को प्रभावित करेगा। पहले मॉलिक्यूल को तो इसने सिंगल में प्रभावित कर दिया, दूसरे को ये ऐसे प्रभावित करेगा। देखो कैसे करेगा, क्लोरीन सिंगल रह जाएगा, प्लस 2O2 के मॉलिक्यूल बना देगा, इसके साथ ये जोड़ देगा। ठीक है, चार मॉलिक्यूल 2O2 के मॉलिक्यूल बना दिया। अब यहाँ पे भी हमें O3 नहीं दिखाई दे रहा, जब तक हमें O3 नहीं दिखाई देगा तब तक ये इसकी पावर को भी इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। मतलब अब ये फिर से वही काम करेगा, मतलब क्लोरीन जो है, क्लोरीन और ब्रोमीन भी सेम काम करेगा। क्लोरीन के जगह अगर हम ब्रोमीन लगा लेंगे तो रिएक्शन वैसे ही रहेगी, अभिक्रिया हमारी वैसे ही रहेगी। क्लोरीन और ब्रोमीन जो दो मुख्य कारण हैं वो चलते रहते हैं सालों साल, एक शताब्दी तक क्लोरीन खत्म नहीं होता, लगभग एक शताब्दी तक जो क्लोरीन का परमाणु है वो कभी खत्म नहीं होता। और क्लोरीन आता कहाँ से है, एक शताब्दी तक क्लोरीन बिल्कुल खत्म नहीं होता, और क्लोरीन आता कहाँ से है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मुख्य कारण है ना, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, जो क्लोरीन जिसके अंदर भरा जाता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर हम यूज करते हैं क्लोरीन को, तो वो कौन है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। अगर क्लोरो फ्लोरो कार्बन को हम देखें, क्लोरो फ्लोरो कार्बन की अगर हम बात करें, तो इसकी डिस्कवरी 1920 में हुई थी, एक साइंटिस्ट थे थॉमस मिडगले। अच्छा दिखाई दे रहा है नीचे का, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे थॉमस मिडगले, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी कूलिंग के लिए। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका उपयोग एसी में भी होने लगा, रेफ्रिजरेटर्स में भी होने लगा, ठीक है, अलग अलग चीजों में इसका उपयोग होने लगा, हालांकि अभी बंद कर दिया गया है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इतनी हैवी होती है कि एकदम से ऊपर नहीं जा सकती। अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मॉलिक्यूल इतना हैवी होता है, भारी होता है, सीएफसी का मॉलिक्यूल इतना भारी होता है कि ओजोन तक पहुंचने में, वैसे तो हवा का प्रेशर भी है ना नीचे से, ओजोन तक पहुंचने में इसको लगभग 10 से 20 साल लग जाते हैं। एक मॉलिक्यूल को ओजोन तक पहुंचने में लगभग 10 से 20 साल लग जाते हैं, और इस सीएफसी की लाइफ इतनी है, लगभग ये ऊपर 100 साल तक जीवित रहेगा, और जितने साल तक ये जीवित रहेगा ओजोन को उतना ही प्रभावित मतलब नुकसान करेगा। ठीक है, ये समझ आया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मॉलिक्यूल हैवी है,
हैवी के साथ साथ इसको ऊपर पहुंचने में, ओजोन लेयर तक पहुंचने में, ओजोन लेयर लगभग कितने किलोमीटर है, कितने किलोमीटर पर स्टार्ट हो जाती है, 10 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाती है और परिवर्तन होता रहता है मौसम के अनुसार उसके अंदर। कभी वो 30 किलोमीटर मोटी है, कभी वो 20 रह सकती है, कभी वो 10 रह सकती है, ठीक है, वो मौसम के अनुसार। अभी तो कम ही मिलेगी क्योंकि सीएफसी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, और 10 से 20 साल उसको ऊपर जाने में लग जाते हैं, इतना हैवी मॉलिक्यूल है, और हवा के दबाव के कारण वो ऊपर जाता रहता है, और लगभग जब वो ऊपर पहुंच जाता है तो वहाँ पे ओजोन के अंदर 100 साल तक जीवित भी रहता है, और जितने साल तक वो जीवित रहेगा उतने मॉलिक्यूल को नुकसान पहुंचाएगा। देखो क्लोरीन ने क्या हाल किया ओजोन का, इसकी पूरी की पूरी जो पावर थी वो नष्ट कर दी, जितनी पावर थी उसको नष्ट कर दिया। अब ये पावर इसके पास से चली गई तो इसकी एब्जॉर्बेंस पावर, जो यूवी रेज को ये एब्जॉर्ब कर रही थी, वो पावर भी चली गई, ठीक है। अब ये हुआ काम खत्म क्लोरीन का। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जब ऊपर पहुंचती हैं तो ये भी क्लोरीन को नुकसान पहुंचाती है। और अम्लीय वर्षा में हम कर चुके हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, NO और SO2, सॉरी, जब ये भी ऊपर पहुंचती हैं तो ये भी नुकसान पहुंचाती हैं। O3 का मॉलिक्यूल क्या कर देंगी, ये ब्रेक कर देंगी, O3 के मॉलिक्यूल से वापिस O2 का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अच्छा, एक सिंगल जो ऑक्सीजन का परमाणु घूम रहा है सीधा, ये ऑक्सीजन का परमाणु जब ये हीट के प्रभाव में आता है, O3 के मॉलिक्यूल के साथ अकेला O का मॉलिक्यूल 270 से 310 यूवी रेज के प्रभाव में आता है तो ये वापस क्या बना लेता है, 2O2 बना लेता है। अब ये तो ओजोन नहीं बचा तो क्या हो गया, ये पावरलेस, इसकी सारी की सारी शक्तियां गायब। यहां पे इसके पास शक्तियां थी कि ये किसको बचा सके, पावर थी कि ये किसको यूवी रेज से यहां पर इसके पास इतनी पावर थी कि ये यूवी रेज से हमारी रक्षा करती थी, बट यहां पे इसकी पावर चली गई क्योंकि ये क्या बच गया, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बच गया। अब ऑक्सीजन का ये बचा हुआ मॉलिक्यूल सिर्फ किस लिए यूज करते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ श्वास लेने के लिए, सांस लेते हैं ना हम, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तो उसी काम आता है, ठीक है। ये थे ओजोन रिक्तिकरण के कारण। अब चलते हैं ओजोन रिक्तिकरण के बाद उसके जो प्रभाव होंगे मनुष्य पे वो क्या क्या होंगे, ओजोन रिक्तिकरण के प्रभाव, क्वेश्चन कैसे भी उठ के आ सकता है, एग्जाम है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे भी उठ के आ सकता है, प्रभाव पूछ लेगा, कारण पूछ लेगा। तो हम चलते हैं ओजोन प्रदूषण के प्रभाव। तो सर करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला है त्वचा कैंसर। मनुष्य में ये देखने को मिलेगा अगर ओजोन प्रभावित हो रही है, जिस एरिया में भी प्रभावित हुई है वहां पे त्वचा कैंसर ज्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा, यूवी रेज जब इंटर होगी पृथ्वी पर तो उसके कारण मनुष्य व पशुओं की जो DNA की संरचना है वो बदल जाती है। थर्ड, मनुष्य पशुओं की DNA संरचना बदल जाती है, उनके DNA में बदलाव आ जाता है, ठीक है, जो एक नुकसानदायक बात है।
मोतियाबिंद, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, ठीक है। मोतियाबिंद देखा है ना, जो आंखें हैं वो धुंधला धुंधला देखना स्टार्ट कर देती हैं। इसके अलावा फोर्थ में, अभी मैं सांस की बात कर रहा था ना, श्वास रोग, हृदय रोग, इनमें वृद्धि हो जाती है। श्वास के रोग हैं, हृदय के रोग हैं, ये बढ़ जाएंगे। और किसके कारण बढ़ेंगे? ओजोन के प्रदूषण के। अच्छा, पेड़ पौधे हैं छोटे, उनके बारे में सुना होगा ना, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, पेड़ पौधे डेथ करना स्टार्ट, उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, पेड़ पौधों की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके कारण पेड़ पौधों के ऊपर, उनके पत्तों पर, ठीक है, मोस्टली पत्ते इफेक्ट में आएंगे, उनके पत्तों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और पत्तों पर जब नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उनकी संरचना बदल जाएगी, संरचना बदलने से प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होगा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होगा। इसके अलावा पेड़ पौधों का या फिर जो सूक्ष्म जलीय छोटे पौधे हैं वो प्रभावित होंगे। अगर वो प्रभावित होंगे पानी के अंदर, तो हमारी खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित हो जाएगी। जो हमारी खाद्य श्रृंखला है वो भी प्रभावित होगी। खाद्य श्रृंखला ही है ना, सूक्ष्म जलीय पौधों से स्टार्ट होती है, और खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी अगर सूक्ष्म जलीय पौधे ओजोन प्रदूषण के प्रभाव में आएंगे। एक रह गया सेवंथ। अच्छा, सूक्ष्म जलीय पौधे आएंगे तो हमारा जो फसल उत्पादन है उसके अंदर भी कमी होगी। फसल उत्पादन में कमी होना, ये इसके प्रदूषण के मुख्य प्रभाव रहेंगे, ठीक है, समझ में आए। फर्स्ट हो जाएगा त्वचा का कैंसर, सेकेंड हो जाएगा मनुष्य और पशुओं की जो डीएनए संरचना है वो बदल जाएगी, थर्ड मोतियाबिंद व आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, इसके अलावा श्वास व हृदय रोग भी बढ़ जाएंगे, प्रकाश संश्लेषण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, मुख्यतः पत्ते इसकी चपेट में आते हैं, क्योंकि धूप की चपेट में कौन आता है, पत्ते। सूक्ष्म जलीय पौधे जब प्रभावित होंगे तो हमारी खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित होगी। खाद्य श्रृंखला इनसे ही मिलकर बनी है ना, सूक्ष्म जलीय पौधे, जू प्लैंकटोन, फाइटोप्लैंकटोन बोलते हैं जिनको हम, वहां से हमारी जो खाद्य श्रृंखला है स्टार्ट होती है। फसल, जो फसल का उत्पादन है उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है, धूप के कारण, टेम्परेचर के कारण जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। तो ये प्रभाव हमें ओजोन प्रदूषण के कारण देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, आज का लेक्चर इतना ही, ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो पर्यावरण प्रबंधन के बारे में रहेगा। तब तक आप देखते रहिए सीनियर साइंस।